फिजाओं में खुशबू, अदाओं में रंगत, बड़ी दिलनशी है ये उर्दू जबां भी। आप सुन रहे हैं महफिले मंजमात, NMNM ओरिजिनल। महफिल ये सजा ली अब फिर याद किया तुमको, अब तो चले भी आओ शम्मे सुखन है रोशन। हाजरीन महफिल, मैं तलहा आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी आज की महफिल मंजुमात में, जिसमें आज मैं आपका तारुफ कराऊंगा एक बहुत उम्दा गजल गो, जो कि ना सिर्फ गजल गोई करते बल्कि एक अच्छे कसीदा निगार भी थे। ये वो शायर हैं जिनके एक शेर पे गालिब जैसे खद्दावर शायर भी अपना पूरा दीवान कुर्बान करने को तैयार हो गए। इनकी गजल गोई ने गजलों को एक नए और ऊंचे मुकाम पे पहुंचाया। इनके शेर से मैं इनका तारुफ देते हुए आज की इस महफिल का आगाज करता हूँ। लिखते हैं कि जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तिला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हकीम मोमिन खान मोमिन, उर्दू गजल गोई में एक ऐसा कद्दावर नाम जिसने गजल गोई में एक अपना अलग ही रंग पेश किया। उन्होंने गजल की वो गहराई तो बरकरार रखी जो गुज़िश्ता शायरों में थी, साथ साथ उनकी गजलों में जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे एक ज़ाहरी मतलब भी निकलता है, यानी उनकी गजल के ज़ाहरी माना भी होते और बातनी माना भी। ये करिश्मा करने वाले शख्स थे जनाब मोमिन साहिब, जिनका ताल्लुक एक कश्मीरी घराने से था। उनका असल नाम मोहम्मद मोमिन था। उनके दादा हकीम मदार खान शाह आलम के ज़माने में दिल्ली आए और यहीं शाही हकीमों में शामिल हो गए, और मोमिन दिल्ली के ही कूचे चालान में सन 1801 ईस्वी में पैदा हुए। मोमिन के दादा को बादशाह वक्त की जानिब से एक जागीर मिली थी, जो उस वक्त के नवाब फैज खान ने जब्त करके 1000 रुपये सालाना पेंशन मुकर्रर कर दी। ये पेंशन उनके ख़ानदान में उनके बाद भी जारी रही। लिखते हैं कि किसी का हुआ आज कल था किसी का, किसी का हुआ आज कल था किसी का, न तू है किसी का न होगा किसी का। मोमिन का घराना बहुत मजहबी था, लिहाजा उन्होंने अपनी अरबी की तालीम शाह अब्दुल कादिर दहलवी से हासिल की। इसके अलावा फारसी में भी उनको खासी महारत हासिल थी। दीनी तालीम उन्होंने मकतब से हासिल की और इसके अलावा तिब्बी तालीम, इल्म नुजूम, रियाजियात और मौसीकी में भी दिलचस्पी रखते थे। जवानी में कदम रखते ही उन्होंने शायरी शुरू कर दी थी और शाह नासिर से अपनी लिखी गजलें दुरुस्त कराने जाया करते, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी मशक्क़त और जज्बात के बरह रास्त इजहार से दिल्ली के शोरा में अपना एक ख़ास मकाम बना लिया। लिखते हैं कि है कुछ तो बात मोमिन जो छा गई खामोशी, है कुछ तो बात मोमिन जो छा गई खामोशी, किस बुत को दे दिया दिल, क्यों बुत से बन गए हो। माली तौर पे मोमिन का ताल्लुक मंझले तबके से था। खानदानी पेंशन 1000 रुपये सालाना ज़रूर थी मगर वो पूरी नहीं मिलती, जिसका शिकवा वो अक्सर अपने फारसी के खतूत में किया करते। असल में मोमिन खां की ज़िंदगी और शायरी पे दो चीज़ों ने बड़ा गहरा असर डाला, एक तो उनकी रंगीन मिजाजी और दूसरा उनका बैक वक्त मजहबी कल्ब। लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प हिस्सा उनकी मोहब्बतों के क़स्सों में से ही है। मोहब्बत ज़िंदगी का तकाजा बनकर उनके दिलो दिमाग पर छाती रही। लिखते हैं कि रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह, आता नहीं है वो तो किसी ढप से दाव में, बनती नहीं है मिलने की उससे कोई तरह, ना ताब हिजर में है ना आराम वसल में, कमबख्त दिल को चैन नहीं है किसी तरह, लगती हैं गालियां भी तेरे मुंह से क्या भली, कुर्बान तेरे फिर मुझे कहले उसी तरह, पामाल हम न होते फकत जौर चरख से, आई हमारी जान पे आफत कई तरह, ना जाए वहाँ बने हैं ना बिन जाए चैन है, क्या कीजिए हमें तो है मुश्किल सभी तरह, माशूक और भी हैं बता दे जहान में, करता है कौन जुल्म किसी पर तेरी तरह, हूँ जा बलब बुताने सितमगर के हाथ से, हूँ जा बलब बुताने सितमगर के हाथ से,
क्या सब जहां में जीते हैं मोमिन इसी तरह, क्या सब जहां में जीते हैं मोमिन इसी तरह। उनकी ये शायरी सुन के महसूस होता है कि शायर किसी ख्याली नहीं बल्कि एक जीती जागती महबूबा के इश्क में गिरफ्तार हैं। दिल्ली का हुस्न परवर शहर और उस पर मोमिन की रंगीन मिजाजी, खुद खूबसूरत और खुशलिबास, अब इसका नतीजा तो मैं क्या ही बयान करूं। लीजिए गजल सुनाए देता हूं। लिखते हैं कि उल्टे वो शिकवे करते हैं और किस अदा के साथ, बेताखती के ताने हैं उजरे जफा के साथ, बहर अयादत आए वो लेकिन खजा के साथ, दम ही निकल गया मेरा आवाज पा के साथ, बेपर्दा गैर पास उसे बैठा न देखते, उठ जाते काश हम भी जहां से हया के साथ। उसकी गली कहाँ ये तो कुछ बाग खुल्द है, किस जाए मुझे छोड़ गई मौत ला के साथ, आती है बुए दाग शबे तार हिजर में, सीना भी चाक हो न गया हो कबा के साथ, थे वादे से फिर आने के खुश ये खबर न थी, है अपनी जिंदगानी उसी बेवफा के साथ, कूचे से अपने गैर का मुंह है मिटा सके, अल्लाह रे गुमराहियो बुतखाना छोड़कर, अल्लाह रे गुमराहियो बुतखाना छोड़कर, मोमिन चला है काबे को एक पारसा के साथ, मोमिन चला है काबे को एक पारसा के साथ। मोमिन के यहाँ एक खास किस्म की बेपरवाही की शान थी, माना कि यूं समझ लें कि मालो जर के तलब में उन्होंने किसी का कसीदा नहीं लिखा। उनके कुल 9 कसीदों में से 7 मजहबी नौहियत के हैं और एक कसीदा उन्होंने राजा पटियाला की शान में लिखा, जिसका किस्सा कुछ यूं हुआ कि राजा साहब को उनसे मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। इत्तेफाकन एक रोज़ जब मीर उनकी रिहाइशगाह के सामने से गुजर रहे थे तो राजा साहब ने एक मुलाजिम को भेज के उन्हें बुलवा लिया, बड़ी इज्जत से बैठाया और बातें की, और चलते वक्त उनको एक हथनी पर सवार करके रुख्सत किया और वो हथनी उन्हें तोहफे में अता की। लिहाजा मोमिन ने उनका शुक्रिया एक कसीदे के जरिए अदा किया और जो आखिरी कसीदा बचा वो नवाब टोंक की खिदमत में हाजिर ना हो पाने के लिए माफी नामे के तौर पर लिखा गया। कई रियासतों के नवाब उन्हें अपने यहाँ बुलाना चाहते थे लेकिन उन्होंने कहीं जाना मुनासिब ना समझा, हत्ता के दिल्ली कॉलेज की प्रोफेसरी भी उन्होंने कबूल ना की। कलाम पेश कर रहा हूँ, लिखते हैं कि कहे है देख के रुखसार यार आई ना, किस सफाई पे सदक़े निसार आई ना, स्याह रू न करे तर्क उल्फते गुलफाम, मैं बुल हवस को दिखाऊं हजार आईना। समझ लिया मगर सब्ज रंग को तूती कि है नजारे उम्मीदवार आईना, वो सख्त जाहूं के दिखलाए गर दमे मुर्दन तो तोड़ दे कमरे को हुसार आईना, समा रहे हैं मगर तेरे नौ बनौ जलवे कि बन गया है तिलिस्म में बहार आईना, शिकस्ते रंग पे मस्ती में हंसते हैं हम भी दिखाएंगे उन्हें वक्ते खुमार आईना, मुझे तो कहते हो मत देख मेरी जानिब तू और आप देखते हो बार बार आईना, बला है माने वफा नूर उड़ गया ना से तू लेके देख तो रंगे अजार आईना, समझ तू मोमिन अगर नारवां हो खुद बीनी, समझ तू मोमिन अगर नारवां हो खुद बीनी, तो देखें काहे को परहेजगार आईना, तो देखें काहे को परहेजगार आईना। मोमिन के कलाम में ये बेपरवाही शायद उसी मजहबी माहौल का असर हो जिसमें उनकी परवरिश हुई। शाह अब्दुल अजीज के खानदान से उनके गहरे मरासिम थे। सन 1818 ईस्वी में उन्होंने सैयद अहमद बरेलवी के हाथ पे बैत की मगर जिहाद में शामिल ना हुए। मोमिन ने 2 शादियां की, पहली बेगम से उनकी नहीं बनी, लिहाजा दूसरी शादी ख्वाजा मीर दर्द के खानदान में मोहम्मद ख्वाजा नासिर की बेटी से हुई। मौत से कुछ अरसे पहले वो इश्कबाजी से किनारा कश हो गए थे। क्या खूबसूरत गजल लिखते हैं, समात फरमाइए। वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो जुल्फ मुझ पे थी बेशतर वो करम की था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद जरा जरा तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो नए गिले वो शिकायतें वो मज़े मज़े की हकायतें, वो हर एक बात पे रूठना
तुम्हें याद हो कि न याद हो, कभी बैठे सब में जो रूबरू, तो इशारतों ही से गुफ्तगु, वो बयान शौक का बरमला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयान से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम से तुम से भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। सुनो जिक्र है कई साल का, क्या एक आपने वादा था, सो निभाने का तो जिक्र क्या, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कहा मैंने बात वो कोठे की, मेरे दिल से साफ उतर गई, कहा मैंने बात वो कोठे की, मेरे दिल से साफ उतर गई, तो कहा कि जाने मेरी बला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो बिगड़ना वसल की रात का, वो न मानना किसी बात का, वो बिगड़ना वसल की रात का, वो न मानना किसी बात का, वो नहीं नहीं की हैरान अदा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, मैं वही हूँ मोमिन मुब्तिला, तुम्हें याद हो कि न याद हो। सन 1851 ईस्वी में मोमिन कोठे से गिरकर पूरी तरह ज़ख्मी हो गए और 5 माह के बाद उनका इंतकाल हो गया। उम्र तो सारी कटी इश्क़ें बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। मोमिन के शायराना अंदाज के ताल्लुक से अक्सर तनकीद करने वाले एक राय रखते हैं कि उन्हें कसीदे मसनवी और गज़लों पे यकसा महारत हासिल थी। फ़ने कसीदा में वो सौदा और ज़ौक़ की ऊंचाई तक तो नहीं पहुँचते, मगर वो उर्दू ज़बान के बेहतरीन कसीदा निगारों में शामिल हैं। मसनवी में वो दया शंकर नसीम और मिर्ज़ा शौक के बराबर की वसत रखते हैं, लेकिन मोमिन की शायराना मेहनत की ख़ास झलक हमें उनकी गज़लों में नज़र आती है। एक गज़ल गोह की हैसियत से मोमिन ने उर्दू गज़ल को उन रास्तों का गवाह बनाया जो गज़ल को दूसरे मंजुमाती कलामों से जोड़ती है। उर्दू को दिए गए इस अजीम तावुन के लिए एमिनम टॉकीज़ मोमिन खान मोमिन को खिराज अकीदत पेश करता है। इम्तिहान के लिए जफा कब तक, इल्तिफात सितम नुमा कब तक, ले शबे वसल गैर भी काटी, तू मुझे आजमाएगा कब तक, तुमको खूं हो गई बुराई की, दरगुजर कीजिए भला कब तक, मर चले अब तो सनम से मिलें, मर चले अब तो सनम से मिलें, मोमिन अंदेशाए खुदा कब तक, मोमिन अंदेशाए खुदा कब तक। तो दोस्तों, ये थे गज़ल गोई में उस्तादों के उस्ताद मोमिन खान मोमिन। अब अपने दोस्त तलहा को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले बाब महफिल मंजूमात पे। तब तक सुनिए मोमिन की ये उम्दा गज़ल। कहर है मौत है कज़ा है इश्क, कहर है मौत है कज़ा है इश्क, सच तो यूं है बला है इश्क, असर गम जरा बता देना, असर गम जरा बता देना। वो बहुत पूछते हैं क्या है इश्क, वो बहुत पूछते हैं क्या है इश्क, कहर है मौत है कज़ा तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये शायराना महफिल? ऐसे ही शायरों के बारे में जानने और उनकी शायरी से लुत्फ़ंदोज़ होने के लिए सुनते रहिए महफिल मंजमात, एन एम ओरिजिनल।